फायदे को हम व्हाइट करने के लिए उसमें और कुछ केमिकल्स डालते गए, ब्लीचिंग एजेंट डालते गए कि मैदा और अच्छा दिखे और अच्छी हमारी व्हाइट ब्रेड और व्हाइट उसका अपीयरेंस हो। तो इसके प्रोडक्ट्स में हम लोग उसी तरीके से अच्छा करने के चक्कर, अच्छा दिखने के चक्कर में हम लोग और चीज़ें इसकी हटाते चले गए और फिर हमारे अंदर फिर वो डिफिशेंसी आना शुरू हो गई। अब बीमारियों का घर हमारा जो शरीर बनता जा रहा है। मेडिकल साइंस जिस तेजी से आगे बढ़े उससे ज़्यादा तेजी से बीमारियाँ बढ़ी। अच्छा, हमारे जो फूड साइंटिस्ट हैं इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रोडक्ट्स बनाए इसके। आजकल जो इसमें कमियां थी, कुछ इसमें थी कमियां, एंटी न्यूट्रिएंट्स थे जिसकी वजह से कि इसका मतलब कुछ मिनरल्स हम लोगों को जाते तो थे अंदर लेकिन हमारे अवेलेबल नहीं हो रहे थे, बॉडी उसको नहीं ले पा रही थी। कुछ इसके फ्लेवर और कुछ इसका टेस्ट में दिक्कतें थी, लेकिन इस पे रिसर्च होते होते वो चीज़ें दूर हो गई हैं। इसके इतने ढेर सारे प्रोडक्ट्स बन गए हैं जिनका फ्लेवर भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है और उसमें न्यूट्रिशन जितने न्यूट्रिएंट्स हैं सभी बैलेंस अमाउंट्स में हैं। लेकिन हमारी अभी आदत जो एक टेस्ट लग गया है व्हीट के प्रोडक्ट्स का और चावल के प्रोडक्ट्स का, वो अभी उतर नहीं रहा है और हम लोग बिना सोचे समझे हमारा जो जीभ कहती है उसी के, हमें मरण मन कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग खाते हैं, ना कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अब हम लोगों को बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लेना पड़ेगा और ये अवेयरनेस हमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट के तरीके से हमें अवेयरनेस फैलानी भी पड़ेगी। अब प्रोडक्ट्स व्हीट के इक्विवेलेंट और मिलेट्स के प्रोडक्ट्स इतने बन चुके हैं कि वो सब आपके उसमें तैयार हैं, उनको और कॉमर्शलाइज करना है, उनको थोड़ा अवेयरनेस कराना। जितना इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। कभी इसी मिलेट्स को हम लोग पुअर मैंस डाइट कहते थे, ये गरीबों का भोजन है, लेकिन आजकल ये अमीरों की डाइट बन गई। जब से कुछ अमीरों को अवेयरनेस आए कि नहीं नहीं इसमें तो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो उन्होंने हथियार लिया, वो उनके पास तो पैसा है, उसका कुछ 500 रुपए खरीद लेते हो, 800 रुपए 1000 रुपए किलो में भी खरीद लेते हैं। तो वो है कि एक साइकिल है, पहले मिलेट्स हम लोग खाते थे, बीच में किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सेस, जिसके लिए देखिए अति करेंगे उसके दुष्परिणाम तो होने हैं, तो अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। अब हम लोग फिर से उसी रोटेशन में उसी साइकिल में आ रहे हैं। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रकाश मैडम डालेंगे, एक मेडिकल साइंस के हिसाब से, एक डाइटिशियन के हिसाब से, और हम लोग तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। जब तक वो उसी लिए हम लोग एक्चुअली चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट है, डाइटिशियन और मेडिकल का जो आस्पेक्ट है। तो थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ऑलरेडी सर एंड मैम एवरीबडी इंट्रोड्यूस मी एंड यू ऑल आर अवेयर, फिर भी मैं एक बार अपने बारे में बताना चाहती हूँ पर्सनली। माई सेल्फ रेखा पर्शा, वर्किंग एज अ असिस्टेंट डाइटिशियन इन एम्स सिंस 2008। ओके, नेक्स्ट, यू ऑल आर अवेयर अवर टॉपिक इज न्यूट्री सीरियल्स मिलेट्स एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। व्हाट आर न्यूट्री सीरियल्स, एनी आइडिया, एनी गेस? आगे लिखा हुआ है मिलेट्स, ठीक है। बेसिकली न्यूट्री सीरियल्स इज अ मिलेट्स, न्यूट्री सीरियल्स आर नोन एज मिलेट्स। Introduction is of millets. Sir already told you, millets are rich source of carbohydrate with fiber, protein, minerals and vitamin. What are the main source of energy? Protein, carbohydrate, fat. Okay, ठीक है, ये three main होते हैं जो मिलके energy देते हैं my body को. But not for this, we require some other things also, vitamins, minerals. That is also very important. अभी कोविड चल रहा था, वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट से इम्यूनिटी नहीं मिलती, वी रिक्वायर विटामिन्स एंड मिनरल्स आल्सो, दैट्स प्ले अ मेजर रोल। बट हम समझते नहीं है, किसी का बीपी डाउन हो रहा है, किसी का हाई हो रहा है, व्हाट
व्हाटसोएवर द रीजन, सोडियम पोटेशियम विटामिन सी, दे प्ले अ मेजर रोल. तो वी शुड नो एक्चुअली. तो इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स. मिलेट्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद फाइबर. कीप इन योर माइंड, कार्बोहाइड्रेट विद फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स, रिच इन हेल्थ प्रमोटिंग फाइटोकेमिकल्स लाइक पॉलीफिनॉल, लिगनेन, फाइटोस्टेरॉल, फाइटोएस्ट्रोजन, फाइटोसाइनोनेन. सुना हुआ है या बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है? नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए और आप नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, ठीक है? इट्स अ फाइटोकेमिकल्स. मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री एंड गुड सोर्स फॉर पीपल हु आर हैविंग सीरियल डिजीज. वी विल कवर लेटर. History of millets. Millets are one of the earliest grains that are being cultivated and consumed by the people in India and the world. Okay, so I already told you कि अभी ये like millets पहले के time में बहुत सारे लोग खाते थे, but धीमे 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 करके हम western culture की तरफ जाते हैं और we are supposed to take you know फूली हुई चपाती जो TV में ad आता है, that is not having fiber actually. उसमें fiber नहीं है. Most of the part is आपका मैदा. And that is not good for health. We all are aware ki haan, this is not good for health, millets is good for that, but we don't want to follow. Humko follow bhi karna hai. Aur hum, agar aap follow karoge, tabhi aap dusre ko bata sakte ho. Ye to, matlab, you know, revert back start ho jata hai. If I am eating Maggie, I'm just giving you an example. Aur main apne bachche ko kahungi Maggie mat khao. To kya kahega, mama, you are eating, why you are telling to me? Why should I not eat? Jab aap follow karoge, tab you can supposed to tell to someone else, ki dekho, I'm also eating. मैं ये नहीं कहती हूँ बाकी चीजें नहीं खाने. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, बट यू शुड नो इन बैलेंस वे. सेकंड थिंग इज मिलेट्स वैरायटी बिलोंग्स टू द कुपिए फैमिली. दे डिफर इन द कलर, अपीयरेंस एंड स्पीसीज. आई थिंक बॉटनी तो सबने पढ़ी होगी. दे हैव बीन इन फूड यूज इन इंडिया सिंस 2500 बिफोर क्राइसिस. न्यूट्री सीरियल्स. Government of India declared in 2018 millets are nutricereals to promote the crop and consumption in India. Okay, so 2018 was declared as a national year of millets. This is the Government of India ka paper hai. I just take from the website. Ye pura usme likha hua hai. This is the initiation of government in 2018. But after that, COVID came, or everybody is busy in COVID. वो तो दैट वाज अ हॉरिबल, वो तो एवरीबॉडी इज अवेयर. सो आवर जनरल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आर डिक्लेयर दिस ईयर एज अ इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स 2033. व्हाई मिलेट्स आर इंपॉर्टेंट टू कंट्री? बिकॉज इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड एंड फूडर. हम खुद तो लेते हैं साथ के साथ, यू नो, हम आपने लाइक मतलब चलो आगे क्या बोलते. Less water consuming than other cereals, grow faster and putting less stress on environment. No pest and disease problem. आज pest like जो भी हम जैसे गेहूं है, rice है, जिसकी भी पैदावार होती है उसमें हमें खाद यूज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती है ताकि हमारी फसल अच्छी हो, ठीक है? मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ बस इतना पता है कि उनको हमें उनमें क्या नाम है खाद डालनी पड़ती है या जो भी केमिकल्स होते हैं वो डालने पड़ते हैं. आजकल सारी चीजें केमिकल्स हो रही हैं, लेकिन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिलेट्स ये बहुत फ्रेंडली है. इसको आप इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ना बहुत ज्यादा डिजीज होती है, इजिली ग्रो कर सकती है. तो इससे हमारे इंडिया को भी फायदा होगा, हमें बाकी चीजों में कॉस्ट कटिंग होगी. कैन ग्रो इन इवन मार्जिनल लैंड्स. कंप्लीट फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी विल सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग इनकम ऑफ द फार्मर. And you can see in this graph, this is an India map. You can see everywhere, all over India, आपको millets is available. But there is a lack of awareness. We don't know कि we have to eat this one. We know this is the food of poor person or this is the food of for animals, yeah, for anyone. But this is not for us because we are supposed to eat, you know, attractive foods that our tongue, pizza हो गया, whatever, Maggie हो गया, आलू पराठा हो गया. But we should know the, you know. The importance of millets also. Sometimes it's okay. I never say ki don't eat anything. But you should know it's available in the India. There must be any reason it's available in the India. But there's a lack of awareness. We think about ki haan, agar hai toh there is a use of millets.
अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर टाइप्स ऑफ मिलेट्स इन इंडिया. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिलेट्स. फर्स्ट वन इज मेजर मिलेट, सेकंड वन इज माइजर मिलेट, सॉरी मेजर एंड माइनर मिलेट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर मिलेट्स. देयर आर टू मिलेट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मेजर मिलेट्स. फर्स्ट वन इज सॉर्गम, इट्स कॉल्ड इन हिंदी ज्वार, एंड सेकंड वन इज पर्ल मिलेट, इट्स कॉल्ड इन हिंदी बाजरा. मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पता होगा ज्वार एंड बाजरा. माइनर मिलेट्स, इन माइनर मिलेट्स कैटेगरी कम्स फिंगर मिलेट, इट्स कॉल्ड इन हिंदी रागी, फॉक्सटेल मिलेट्स कंगनी, प्रोसो मिलेट्स चेना, कोदो मिलेट्स कोदो, कन्याड मिलेट्स सवा, लिटिल मिलेट कुटकी. देयर आर सिक्स मिलेट्स दैट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ माइनर मिलेट्स. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ मिलेट्स कंपेयर्ड विद मेजर सीरियल्स क्रॉप. यू कैन सी इन दिस ग्राफ लाइक वट एवर वी आर यूजिंग इन होल डे एक्टिविटी. हम जल्दी डे टू डे क्या करते हैं, राइस, वीट, रोटी, चावल इज अ वेरी कॉमन. खाने में क्या है, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, यही होता है जल्दी. ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वीट एंड राइस, ओके, तो दिस इज द कंपोजिशन पर 100 ग्राम. अब आप देखिए वीट एंड राइस में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, तो ऑलमोस्ट इज द सेम कंटेंट. वीट इज हैविंग 11.8 एंड अदर्स यू कैन से 10.4, 11.6, फिंगर मिलेट्स हैविंग लेस, बट प्रोसो मिलेट्स हैविंग 12.5, ऑलमोस्ट इज द प्लस माइनस 0.5, दैट्स इट. तो इफ यू आर कंपैरिजन टू ऑल दिस ग्राफ, तो ऑलमोस्ट प्रोटीन इज सेम. In this, अब ये talking about like proso millets. If you compare the all, हम सारे का comparison करते हैं, तो proso millets having good quality of protein, 12.5 per 100 gram. किसी को पूछना है मेरे से तो please पूछ लेना. और अगर जब मैं boring लगने लगूँ ना तो बता देना, ma'am you are so boring. I will find out. Okay? If you are talking, this is very important. Please listen carefully. If you will go somewhere, if you will talk to someone, na, if you will aware, आपको खुद को confidence feel होगा कि नहीं, I'm aware, I'm confident. जो आप खुद ही नहीं confident हो, उसे लेगा बात करें, just go away. ऐसे नहीं करो. This is a very important. You should know the nutrition is very important. If you are talking about carbohydrate, is the same thing. If you are talking about like wheat and rice and sometimes popcorn movie चले गए या मक्के की रोटी, सिर्फ सर्दियों में ही खाते हैं. हाँ, पे हमें सर्दियों में नहीं खाना है. होल ईयर आपको किसी ना किसी फॉर्म में यू हैव टू एड ऑन. ओके, अब कंपैरिजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का. मेजर जो हम यूज करते हैं, दैट इज जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, वीट एंड राइस में है. और कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन इज ऑलमोस्ट सेम जस्ट लाइक अ वीट एंड राइस. हम क्यों ये भी दोनों खाते हैं, बाकी हम क्यों नहीं खाते, देयर इज एनी रीजन? देयर इज एनी रीजन? टेस्ट, टेस्ट तो जैसे बनाएंगे वैसा टेस्ट बन जाता है. इट्स नॉट लाइक टेस्ट, मेडिसिन इज नॉट गुड, बट एवरीबॉडी इज ईटिंग मेडिसिन because that is good for health. It's taste to reason behind earlier. Sir ne bhi bataya aap logon ko, earlier jo hamare purvaj the, theek hai, wo log khate the, but gradually we humne tv mein advertisement dekha, puli puli good roti and all, jo aapke celebrities, jo aapke ideal hai basically, jo hero heroine whatever, I don't know who is your ideal and all, aapne unko dekha, wo ye kha rahe to hum ye khayenge, wo maggi kha rahe to hum maggi khayenge. वो सिर्फ एड के लिए और पैसे कमाने के लिए खा रहे हैं, ठीक है. एक्चुअल में उनको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है. जिम जा रहे हैं, दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, दे आर हैविंग पर्सनल डाइटिशियन. आप लोगों ने भी रख रखी है? नहीं ना, तो व्हाई शुड फॉलो? आपकी पर्सनल डाइटिशियन मैं ही हूँ सबकी, ठीक है. तो आपको वो चीज मैं कहती हूँ, ठीक है, यू शुड फॉलो, बट कुछ अपना भी माइंड यूज करना है, ठीक है. हर इंसान की ना टू लाइफ्स होती है. हमें वही नहीं देख रही जो टीवी में दिखाई जा रही है. आजकल तो आप लोग भी अवेयर हो रहे हो कितना क्या सही है सोशल मीडिया की वजह से. वी आर टॉकिंग अबाउट फैट इज द सेम थिंग. ये बनियान मिलेट इज हैव अ गुड क्वांटिटी ऑफ फैट, 5.5, बट दिस इज अ गुड फैटी एसिड, लिनोलेइक फैटी एसिड, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड. आई थिंक यू आर अवेयर दिस इज इट इज हैविंग गुड फैटी एसिड, नॉट बैड. फाइबर, यू कैन सी फाइबर इज अ 14.7. रागी के लिए अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है. हम इस साइड नहीं था, बट अब यू इफ यू गो इन साउथ साइड,
they are having ragi atta, they are using, you know, ragi dosa, ragi idli and all. Sometimes they are making chapati, to usme wo aage add on kar lete hain. और वो दे आर मोर मतलब कैल्शियम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बोन्स ज्यादा स्ट्रांग है. ठीक है, तो आप लोग आगे यूज करते हैं घर में? आई विल टेल यू कैसे यूज कर सकते हो. ठीक है, आप लोग को ही घर जाके अपनी मदर्स को बताना है. ठीक है, बिकॉज आवर मदर इज नॉट टू मच एजुकेटेड. मेरी मम्मी को भी नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रैंक. लेकिन अब धीमे धीमे अवेयरनेस हो रही है. और अब कैल्शियम आपने देख लिया, देयर इज अ डैम गुड सोर्स. यू कैन सी कि लाइक आपके चावल में सिर्फ 40 ग्राम कैल्शियम होता है पर 100 ग्राम, रागी में यू कैन सी 344. एंड कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. किस लिए जरूरी है कैल्शियम? बोन्स के लिए एंड फॉर दिस एज, फॉर ग्रोइंग एंड आफ्टर 30 भी बुढ़ापे के लिए. ठीक है, आपको जब ग्रोइंग एज में अच्छा कैल्शियम लोगे आप प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाओगे. और आपका अगर आफ्टर एज फास्फोरस का भी है 348 इन दिस ये मेस, दैट इज ओके. एनी क्वेश्चन इन दिस ग्राफ? अब नाउ वी विल कवर द ज्वार सॉर्गम. सॉर्गम नोन एज ज्वार इज ग्रो इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया. इट कंटेन गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सच एज B1, B2 and folic acid and minerals such as calcium and phosphorus. It also have decent amount of iron, zinc and sodium. You can add in the goodness of the millets in the form of puff, jowar as a munchies. This is a kind of, you know, wafer, dosa, khichdi, chapati, upma and a lot more. You can add now. And I don't know, it's a gut feeling of me. Isala millets aata bhi aa jayega market mein. Aata with millets. Beech mein fiber ka bada chalata ho to आटा विद यू नो फाइबर. व्हाई फाइबर इज इम्पोर्टेंट? देयर इज अ वेरी जीआई डिसऑर्डर, बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आल्सो. व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ सोर्गम? दिस सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इट्स हेल्प इन यू नो डायबिटिक पेशेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हेल्प टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बोन्स, हेल्प इन इम्प्रूविंग मूड, हेल्प इन वेट कंट्रोल, staple feed for celiac disease, help in inhibiting tumor growth, high content of dietary fiber. Up now we are talking about pearl millet bajra. I just want to share one thing. When I was small, I was going to my, you know, grandparents' house, dada, dadi and nana where. तो लाइक वहां मैंने एक चीज देखी थी, दे आर यूजिंग नो बकरी या गाय भैंसों को बजरी देते थे, चारा टाइप्स फूडर. ठीक है, उस टाइम टू बी वेरी फ्रैंक आई वाज नॉट अवेयर, मुझे लगता था ये बकरी मतलब ये जानवरों का ही खाना है लाइक एन ऑल. ठीक है, यू नो इतिहास दोहराता है, वो हमें उस टाइम नॉलेज नहीं थी. ठीक है, और जो लोग खाते भी थे तो वी आर थिंकिंग ये इंसान गरीब है, ही इज ईटिंग बाजरे, ये यू नो बाजरा खा रहे हैं एन ऑल. इट्स अ मेंटेलिटी. आप ये देखिए वही चीज वापस टर्न बैक हो रही है. ठीक है, हम लोग गांव के लोग, व्हेन आई एम गोइंग टू माय यू नो विलेज, मैंने देखा है वहां जो खेत में आपको टमाटर है, यू नो आपका ये मूली है, ऑल वेजिटेबल्स अवेलेबल देयर, लेकिन उनके बच्चे वो नहीं खाएंगे क्योंकि फ्रेश मिल रहा है. दे विल गो इन द मार्केट, दे विल टेक सम चिप्स एंड ऑल, और बिकॉज दे आर लैक ऑफ अवेयरनेस. और अब आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले यू कैन सी देयर इज अ ऑप्शन ऑफ सैलेड, बिकॉज सैलेड इज इम्पोर्टेंट फॉर अस फॉर वेट रिडक्शन. And we don't want to take some, you know, bad quality of fat. Unless some, जिससे आपकी body को problem हो रही है. तो थोड़ी सी awareness की जरूरत है, बाकी सब कुछ available है. और भगवान ने किसी को अमीर गरीब सोच के नहीं दिया है. अब आज देखिए मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है, there is a lots of awareness. ठीक है, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को पता है कि भाई इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अनाउंस कर दिया तो लोग अवेयर हो गए हैं. ठीक है, आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और इसका फायदा हमारे किसानों को होगा, दैट्स गुड एक्चुअली. बट हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, नहीं तो सारा कहीं और ही चला जाएगा, क्योंकि दिस इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. अब वी आर टॉकिंग अबाउट पर्ल बाजरा. पर्ल मिलेट कॉमनली नोन एज बाजरा इज द मोस्ट डोमिनेंट क्रॉप दैट इज ग्रो इन इंडिया. Its protein content is the same as that of wheat
I told you earlier, with additional goodness of iron, thiamine, niacin and vitamin D2, the most common recipe of bajra include bajra roti. ये तो सबको पता होगा. हाँ, बाजरा टिक्की. Yes ma'am. बाजरा लड्डू. Very good. You can add bajra to in the variety of way and get the goodness of essential nutrients. And अभी आप लोगों को बोला you can add bajra in the like खिचड़ी बन रही है whatever anyway. It's a you all are from food technology and मतलब nutritionists कह लीजिए आप लोग सारे मतलब MSc nutrition कर रहे हो. आप लोगों को ही recipe बनानी है. ठीक है, आप लोगों के इनोवेटिव कुछ आइडिया सोचो कि व्हाट यू कैन डू. ओके, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? सारे इतने अपसेट हो गए जैसे मैडम ने बोला सोचना है सब लोग. आप तो भाई क्लास लग गई. अच्छा नहीं, यू जस्ट थिंक अबाउट. जितना आप सोच सकते हो ना इस टाइम हम नहीं सोच सकते हैं. बिकॉज यू आर इनोवेटिव, यू आर मोर इनोवेटिव, यू आर मोर एक्सपेरिमेंटल. सोचो, कुछ करो. और दिस इज स्टार्टिंग. जिसने कर लिया भाई उसने तो कर लिया, क्योंकि दिस ईयर स्टार्टिंग है, साल की शुरुआत है. कुछ करिए, कुछ सोचिए, कुछ इनोवेटिव रेसिपी बनाइए. मेडिसिनल बेनिफिट ऑफ कॉर्न मिलेट, इट इज गुड फॉर योर हार्ट, इट हेल्प्स प्रिवेंट डायबिटीज, प्रिवेंट्स कैंसर, इट प्रिवेंट अस्थमा, इट्स अ ग्लूटेन फ्री, इट इज गुड फॉर योर मसल्स, इट इज अ रिच इन विटामिन बी, डिटॉक्सिफाई. It's helped with digestion and control your cholesterol. Not talking about finger millet, it's a ragi. I think ragi ke consumption is very less here. Use karte hain ragi. Yes ma'am. But you should. कभी आप लोग अपने घर में आपके भी बड़े बुजुर्ग होंगे, parents होंगे, कभी blood test होता होगा, उनका calcium level देखिएगा. ठीक है, कैल्शियम लेवल देखिएगा, डेफिनेटली कम होगा. ठीक है, आई एम टेलिंग यू कम होगा. ठीक है, तो उनको आप सजेस्ट करिए कि रागी ऐसे ऐसे वी कैन ऐड ऑन जब चपाती में, इन एनी फॉर्म वो आप देख लीजिएगा. फिंगर मिलेट्स रागी. रागी इज एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, फाइबर एंड मिनरल्स. इट्स अ होल कॉम्बिनेशन. मार्केट में आपने देखा आजकल रागी बिस्किट्स आ रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स विद रागी. कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ है? रागी क्या है? व्हाट इज रागी? सोचा कभी किसी ने? बी फ्रेंडली बताइए, सोचा है कि नहीं सोचा है? क्यों नहीं सोचा? इसीलिए नहीं बोल रहे थे मैडम, क्योंकि आप पूछोगे क्यों नहीं सोचा. क्यों नहीं सोचा? यू आर इन दिस लाइन, यू शुड थिंक व्हाट इज रागी. कभी दिल में नहीं आया कि ये रागी क्या है, नया कंपोनेंट आ गया मार्केट में. सोचिए, कुछ भी नहीं आता. मैं ये नहीं कहती हूँ बाय बर्थ नोबडी इज इंटेलिजेंट, बट सोचो तो सही भाई, रागी है क्या? इतना ऐड आ रहा है, इतने लोग खा रहे हैं, चौकोज आ रहे हैं, ना. हाँ, क्यों? रागी इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. लेकिन उसमें कंटेंट कितना होगा सोचने के बाद, उसमें कंटेंट भी पढ़ लेना. व्हाट इज द कंटेंट ऑफ रागी? You are not in this age always. आप लोग भी ग्रो करोगे, आप लोगों की भी फैमिली आगे बढ़ेगी, बट जब आप खुद ही नहीं अवेयर होगे तो आप किसी को नहीं स्प्रेड कर सकते. और यू आर इन दिस लाइन तो लोग तो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, इनको बहुत नॉलेज होगी. ठीक है, थिंक अबाउट नाउ रागी. व्हाई रागी इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इन फाइबर. बट हाँ, ठीक है, कैल्शियम. It helps in the brain development of children. किसको किसको brain development करनी है? Ragi flour is used in a variety of food recipes such as ragi dosa, ragi idli, ragi appe, stuff ragi rolls, ragi chapati in combination with wheat flour. Now we are talking about the medicinal benefits of ragi. Finger millet, okay? Ragi is important for weight loss. You are already underweight. It's okay, fine. ठीक है? I'm not talking about ये. I'm talking about normal person. ठीक है? If you will finish your study and all, if you will go in some hospital, आपको बहुत सारे patient, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, they are overweight. तो we should know why this is important. Contain an amino acids called tryptophan, which lowers appetite and help in keeping weight in control. Ragi is digested at slower rate. Also rich in fiber, so feeling of fullness that control excessive food and consumption. Bone health,
rich in calcium, which helps in strengthening bone of bone and reduce rickets, risk of fracture and osteoporosis. What is rickets? रिकेट्स किस में होती है? अच्छा एज ग्रुप बताइए, बच्चों में होती है बुड्ढों में होती है? और ऑस्टियोपोरोसिस एडल्ट एज, ठीक है। रिकेट्स में क्या होता है, इफ वी आर नॉट गिविंग द गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम अपने बच्चों को, हम नहीं देते हैं, तो आपकी जो दिस इज अ पिक्चर, आप यू कैन से दिस बेबी इज हैविंग रिकेट्स, कुछ थी आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे के पैर से एक में देयर इज अ कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड दैट पर्सन इज हैविंग रिकेट्स, दिस इज अ नॉर्मल है, ठीक है। इसके देयर इज अ सजेशन, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बोन डेंसिटी आफ्टर द एज आपकी बोन डेंसिटी धीमे धीमे डाउन होने लगती है, ठीक है। उसके जैसे गठिया करो, घुटनों में दर्द ये वो, तो आपको अगर स्टार्टिंग से कैल्शियम अच्छा रखोगे तो दैट विल बी गुड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। अगर आपने अपना अच्छे से ग्रोथ दिन की स्टार्टिंग अच्छे से किए, ग्रोथ अच्छे हो तो आपके बाद में काम होगा, ठीक है। मैंने भी बचपन में बहुत अच्छा खाया, आज मेरे काम आ रहा है। तो रागी इज इम्पोर्टेंट फॉर वेट लॉस एंड सेकंड इज फॉर व्हाई गुड फॉर बोन हेल्थ, फॉर डायबिटीज, डायबिटीज इज वेरी कॉमन। बेसिकली फिंगर मिलेट्स हैविंग फाइटोकेमिकल्स हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल हाई फाइबर देन राइस एंड व्हीट। In addition to this, we found that diet based on whole finger millets have lower glycemic response, that is lower availability to increase blood sugar level. Glycemic index, glycemic load, everybody knows? Yes or no? Yes. Actually, glycemic index easy बताऊंगी, ठीक है। हम diabetic patient को वो वाले food recommend करते हैं जिसमें low glycemic index है, okay? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लाइक मैंने कुछ खाया लो लो से समझिए, लो मतलब स्लो, तो वो स्लो 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 रिलीज होगा, सडनली हमें पूरी एनर्जी नहीं दे देगा कि वी फील अगेन हंग्री। तो जब स्लो 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 मिलेगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से रेस नहीं होगा, आपको धीमे धीमे करके मिल रहा है। आगे समझ में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्लो, फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंटेन अमीनो एसिड्स लेसिथिन एंड मेथियोनिन विच हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय एलिमिनेटेड एक्सेस फैट फ्रॉम लीवर। फॉर एनीमिया वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल आयरन। फॉर रिलैक्सेशन, फॉर रिलैक्सिंग बॉडी बेनिफिशियल इन कंडीशन ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन एंड स्लीपलेस नाइट्स एंड माइग्रेन्स। ये सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे होती होगी, हेडेक, स्लीप, एग्जाम है या कोई भी टेंशन है नॉल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फॉक्सटेल मिलेट कर्नी। यू कैन सी द पिक्चर, इट्स लुक लाइक अ फॉक्सटेल, मतलब फॉक्स की टेल की जैसे लग रहा है, दैट्स व्हाई इट्स नेम अ फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट्स, द फॉक्सटेल मिलेट्स इज आल्सो नोन एज इटालियन मिलेट। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप। It also has a range of local medicinal use. The plant were mainly grown for home consumption, but also traded internationally on small scale right now. Medicinal benefits of foxtail millets have been proper functioning of the nervous system, protects bone health and muscles health, good for cardiac rest, regulates blood sugar level, lowering blood cholesterol, help in good digestion, help for weight loss, improve immunity. Now we are talking about proso millets. It's called in Hindi chena. Chena ka dekha hua aap logon ne, like you know. Actually kya hai ki like I also don't remember ki maine bhi dekha hua ki nahi dekha hua. Hum recognize hi nahi kar pate hain. Maybe itne sare jungle hai, kahin na kahin hoga definitely. But we are not able to recognize ki this is chena. लेकिन हाँ अब दिस ईयर वी विल रिकॉग्नाइज, ठीक है। ऑल्सो नोन एज चेना कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट प्रोटीन, 12.5 पर 100 ग्राम। एक बंदे की रिक्वायरमेंट कितनी है प्रोटीन की, पहले तो ये बताओ। 1 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट, ठीक है। 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरीज मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.5। गुड, जीएमआई का फॉर्मूला
फॉर्मूला कुछ है कॉन्फिडेंट ना, डर क्यों रहे हो? बी कॉन्फिडेंट, नहीं आएगा तो सीखेंगे. Contains significant amount of carbohydrate and fat. It has vitamins like thiamine, riboflavin, and niacin, and minerals like phosphorus, magnesium, copper, and manganese. Manganese is also present in nuts and spices. And as compared to them, the prosulfate is a cheaper source. But TV में हमने ad देख लिया कि nuts लेने हैं. That is a good source of manganese. We will go on that one only. This is wrong. We can go on some cheaper. क्या nuts हर कोई नहीं खरीद सकता है? ठीक है, इट्स वेरी कॉस्टली. और जब अगर टीवी में एड आ रहा है तो सुपर कॉस्टली हो जाता है. वी शुड नो प्रोसो इज ऑल्सो. अगर एक बंदा दिन भर में ये सारे मिलेट्स किसी ना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन डे में, तो उसकी बॉडी के सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल है. तो नट्स इज नॉट ओनली द गुड सोर्स ऑफ मैग्नीज, प्रोसो मिलेट्स इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ मैग्नीज. मार्केट में सब अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में. Medicinal benefits of proso millets: it lowers cholesterol and reduces the risk of cardiovascular disease. कोई भी disease आपको ऐसी लगती है ना, नहीं है या समझ में नहीं आ रहा, please ask me. I'm in hospital, daily patients के साथ ही रहती हूँ मैं. ठीक है, पूछ लेना आप मेरे से. It has a low glycemic index, so it is good for diabetic patient. Diabetic patient को कौन से food recommend है? Low glycemic index और high glycemic index? Now we are talking about podo millets. It's an annual grain that is grown in primarily in India. Podo millets are high in fiber, low fat, and contain good quality protein. Good quality protein, okay? They are rich in B vitamin, niacin, pyridoxine, and folic acid, and minerals like magnesium, iron, and phosphorus. Podo has highest amount of lecithin, which is known to strengthen of the nervous system. They are gluten free, so we can give as a breakfast for the celiac patient. Medicinal importance of podo millet: it's help in nervous system, post menopause women. This is good for post menopause women like CVD patients, and antioxidant property. Is that clear? Yes, sir. Now we are talking about sama. समा के चावल हम कब खाते हैं? कब खाते हैं? सब जगह व्रत में ही खाया जाता है. सिर्फ साल में एक या दो बार खाते हैं. वो जो फास्ट होते हैं रात में, आज क्या बना डिनर में, समा के चावल, यही होता है ना. अब आप उसकी इम्पोर्टेंस जानो. वो हमें साल में एक बार नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में एक बार खाना चाहिए. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड समा. इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन विच इज हाईली डाइजेस्टेबल एंड इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ डाइट्री फाइबर. इज अ टू काइंड ऑफ फाइबर, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ समा मिलेट्स इज लो एंड स्लोली डाइजेस्टेबल, विच इज गुड फॉर सेडेंटरी पर्सन. लाइक आई एम अ सेडेंटरी पर्सन, मेरी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. और मैं नॉर्मल राइस और इस राइस में अगर मेरे को कोई बोले तो प्रेफरली आई शुड ईट दिस राइस, बिकॉज स्लो राइस में आपको पता है देयर इज नो फाइबर. दिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च ले लीजिए आप. बट इट्स लुक लाइक यू नो वेरी ब्यूटीफुल वाइट एंड ऑल. बट हाँ, वी शुड, अगर अवेयरनेस है तो वी शुड गो ऑन दिस समा राइस. एंड वी कैन गिव दिस राइस फॉर डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो, बट नॉर्मल हम राइस मना करते हैं डायबिटिक पेशेंट में. If recommended, then it's a very small quantity. वो भी किसी, आपको एक चपाती है किसी मीट, किसी एक फूड कंपोनेंट को मिस करके तब रिकमेंड करते हैं. एंड बर्ना मिलेट्स द मेजर फैटी एसिड इज लिनोलेइक एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड. ठीक है, दिस इज असेंशियल फैटी एसिड. मेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ना मिलेट्स: lower blood glucose, lower serum cholesterol, type 2 diabetic patient, energy to the body definitely, lower triglycerides, prevent heart attack. Kutki available hai yahan?
कितने लोग खाते हैं ये भी बता दीजिए। क्या क्या बनता है गुटके से? प्लीज खिचड़ी और खीर। वेरी गुड। और खीर किस में बनाते हैं? भैंस के दूध में। डेफिनेटली। और क्या, यहाँ तो गाय भैंस का दूध ही मतलब लाइक ठीक है एक एज में इट्स ओके फाइन। मैं नहीं कहती गाय भैंस का दूध नहीं लेना, हमें लेना है, बट आफ्टर सम टाइम मतलब नॉट इन इन योर एज, माई एज, सर एज एंड मैम एज, वी शुड टेक केयर अबाउट यू नो हेल्थ ऑल्सो। अभी आप लोग यंग हो, अभी आप लोग खा सकते हो, बट आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन, सो यू शुड नो अबाउट हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट तो निकालना आता है ना बच्चों, एज पर योर हाइट हाउ कितना वेट होना चाहिए। चलो वी विल टॉक लेटर। लिटिल मिलेट कुटकी आर नोन एज कुटकी सीरियल्स, स्पेशली स्मॉल मिलेट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल, रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ लिटिल मिलेट कुटकी आर हाइपोग्लाइसेमिक एंड हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट, स्टेबल द ब्लड शुगर लेवल, पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट, promoting health in diabetes, CVD, GI disease, cancer, etc. ये already we covered. Now we are talking about medicinal benefits of millets. You know, lifestyle diseases में कौन कौन से diseases आती हैं? GI disorder. लाइफ मेन जो है आजकल यार आप लोग टीवी देख रहे होगे, यू शुड बी अवेयर हार्ट अटैक। आप ये देख रहे हो यंग एज वालों को क्यों हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्यों हार्ट अटैक हो रहे हैं? ऑल दीज आर जो मैं आपको आज डिजीज कवर कर रही हूँ, ऑल दीज आर कम इन द कैटेगरी ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग पैटर्न इज नॉट प्रॉपर, तो उसकी वजह से डिजीज प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जीआई डिसऑर्डर, कैंसर एंड ओबेसिटी। यू आर एजुकेटेड लाइक ये हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, ओबेसिटी इज वेरी कॉमन, कैंसर हर दूसरे इंसान को कैंसर है आज, ओबेसिटी यहाँ कॉमन नहीं है। ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आई एम टॉकिंग अबाउट होल मिलेट्स being a risk source of magnesium help in reducing blood pressure and risk of heart attack especially in atherosclerosis. Potassium present in millets help in keeping blood pressure low by acting as a vasodilator and help in reduce cardiovascular risk. The high fiber present in millets play a major role in cholesterol lowering, eliminating LDL. Now you can see in this picture 17.7 million people die every year from cardiovascular disease. ठीक है, अब now we are talking about what is LDL, VLDL, low density lipoprotein. One by one please, पहले इधर से low density lipoprotein, very good. LDL, low density तो VLDL हो गया, ये LDL हो गया, very low density, हाँ आपने VLDL, very low density, LDL low density, आगे HDL and triglycerides, okay? अब मुझे ये बताओ which one is good for health? HDL, good, impressive. ठीक है, तो आप अगर इफ यू विल मतलब लाइक इफ यू विल ऐड मिलेट्स इन योर डाइट देन यू कैन से एलडीएल जब आपका लेवल डाउन होगा लो डेंसिटी तो एच वाला बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन होगा। एचडीएल मींस सिंपल सा बताओ, हाई डेंसिटी तो समझ ही मैं, एचडीएल से याद रखो एचडीएल मींस हैप्पी खुश, एचडीएल हाई देन हैप्पी कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, इजी टू रिकॉल। ठीक है, वैसे रिकॉल तो है आप लोगों को बट फिर भी HDL means happy. Not taking your proper diet, you are not taking good fat in your diet, you are not taking fiber in diet. Daily ही देसी की पराठे चल रहे हैं, you know, समोसे चल रहे हैं, पकौड़ा चल रहा है and all. तो धीमे धीमे आपकी जो ये जो धीमे धीमे आपका accumulate होने लगता है fat.
एंड ग्रेजुअली ये इतना ज्यादा एक्युमुलेट हो जाता है कि देयर इज अ ब्लॉकेज. दिस इज द रीजन ऑफ हार्ट अटैक. बहुत सारी चीजें हैं वो मैं एक पे एक इसमें नहीं कॉल पा पाई. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल दैट वो विच काइंड ऑफ डाइट यू हैव टू फॉलो दैट इज हेल्पफुल फॉर योर हार्ट. डायबिटीज मेलिटस इट इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिक. डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. कीप इन योर माइंड प्लीज लिसन. इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर characterized by hyperglycemia with alteration in carbohydrate, protein and lipid metabolism. It considered as the most common endocrine disorder resulting in deficient insulin production type 1 or combined resistant insulin action and the insulin secretion response. The efficiency of insulin and glucose receptor in the body is increased by the significant level of magnesium content present in millets and help in preventing diabetes. अब यू कैन सी इन दिस ग्राफ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली डायबिटीज 1.6 मिलियन. ये देयर आर टू काइंड ऑफ डायबिटीज टाइप 1 एंड व्हाट इज द डिफरेंस. टाइप 1 किस एज में होती है. इतना सोच सोच के क्यों बोले, कोई डाउट है क्या. एंड टाइप 2 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2. बोलो यार नहीं आता तो बोलो मैडम नहीं आता है बताइए आदम से. देयर आर टू काइंड ऑफ डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2. ओके टाइप 1 में क्या होता है. दिस कम्स इन द यू कैन से दिस इज अ हेरिडिटरी. ठीक है ये बच्चों में जल्दी डायग्नोस होती है और दिस इज अ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज. ठीक है टाइप 2 डायबिटीज लाइक आई एम नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट आई एम यू नो वट एवर टू बी आई एम नॉट डूइंग एक्सरसाइज वट एवर तो मुझे टाइप 2 होगी. बचपन में तो नहीं हुई अब बचपन नहीं रहे तो टाइप 2 ही होगी मुझे. ओके इसमें क्या है दिस कांट बी कंट्रोल विदाउट इंसुलिन. इंसुलिन इसमें देना ही पड़ेगा. इंसुलिन क्या है डिक्रीज इंसुलिन इन द ब्लड वेसल्स. इसमें इंसुलिन का सिक्रेशन ही प्रॉपर नहीं होता है. उसमें सिक्रेशन होता है बट दिस इज अ इनएक्टिव फॉर्म. दिस कैन बी मैनेज बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन बट इन दिस में नहीं होता है. छोटे छोटे बच्चों मैंने 5-10 साल के बच्चों को देखा है डायबिटीज. मतलब दे आर यू नो उनको चॉकलेट चाहिए. बच्चे हैं दे डोंट नो कैन नॉट रियली फील वेरी बैड बट ठीक है वी कांट डू एनीथिंग समथिंग नॉट इन माय हैंड या व्हाटएवर. बट हाँ वी कैन सजेस्ट कि इफ इट विल बी इन कंट्रोल तो हमें कैसे कैसे उनको डाइट में मॉडिफिकेशन क्योंकि बच्चों की भी इच्छाएं हमें वो भी पूरी करनी होती है. क्लियर इसमें इंसुलिन का सिक्रेशन और उसमें हो रहा है बट दैट इज इन इनएक्टिव फॉर्म. ओके ये बच्चों में होती है इसे ध्यान रखो. टाइप 1 क्या है स्टार्टिंग बच्चा वो क्या है सेकंड मतलब और आई जस्ट वांट टू सजेस्ट वन मोर थिंग आफ्टर 30th या मतलब लाइक आपके घर में और नोन टू या व्हाटएवर आफ्टर 30 के बाद 30 साल के बाद हर 6 महीने में सारे ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए. पता ही नहीं चलता है मैं एंड स्टेज पे पता चलता है तब मैं हाथ में कुछ बचता नहीं. जीआई डिसऑर्डर डायरियल डिजीज की बात करते हैं. यू कैन सी इन दिस ग्राफ धीमे धीमे करके मतलब लेके जीआई डिसऑर्डर के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. सीरियसली आई एम टेलिंग यू पहले इतना नहीं था बट आजकल दिल्ली में तो हर दूसरे बंदे को प्रॉब्लम है. गेहूं में वीट में एक तरह का प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड ग्लूटेन. ग्लूटेन इंटॉलरेंस सीलिएक डिजीज इज द सेम थिंग. इतने पेशेंट हैं और उन पेशेंट को दे आर हैविंग द प्रॉब्लम सम टाइम्स दे आर हैविंग लूज मोशन. ठीक है सम टाइम्स दे आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन बिकॉज उनका जीआई ट्रैक्ट इज नॉट डूइंग प्रॉपर. और जो प्रोटीन है जो ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है बस आप ये ध्यान रखो उससे उनको एलर्जी है. अब किसी को किसी चीज से एलर्जी है तो ही इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट. जब आपका स्टमक ही प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करे दे आर नॉट सपोज टू गेन वेट. दे आर मोस्टली यू नो लाइक दिस ओनली बहुत कमजोर होते हैं. और हमें सुनने में बहुत लग रहा है ना सीलियक सीलियक लेकिन जिस पेशेंट को लगता है ना क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है गेहूं तो हर चीज में हमें खाना ही है. गेहूं के बिना सर्वाइवल है नहीं. मेरा भी नहीं है आपका भी नहीं किसी का नहीं है बट आप ठीक है उन सीलियक डिजीज के लिए सीलियक पेशेंट के लिए
what is the best option? Millets. ठीक है, this is really damn good option, क्योंकि उन्हें almost same चीज ही तो मिल रही है, बस टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो धीमे धीमे करके टेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है. टेस्ट तो हमने डेवलप किया हुआ है, टेस्ट तो हमने डेवलप किया हुआ है. हमें समोसा ये सब बहुत पसंद है. आउट ऑफ इंडिया से जो आएंगे दे आर नॉट सपोज टू, उन्हें समोसा नहीं मिला, उनको बिल्कुल नहीं पसंद आता ऑयली स्पाइसी. इट्स लाइक दिस ओनली. तो सीलिएक डिजीज में क्या होता है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस. ओके, आप ये बस इतना ध्यान रखिए. और ग्लूटेन क्या है? It's a kind of protein that we found in wheat. तो GI disorder की gastrointestinal disease की बात करें, it's an immune mediated enteropathic disease called celiac disease, which is usually triggered by the indigestion of gluten in individual. Fiber containing millets help in eliminating disorder like constipation, excess gas, bloating and cramping. You can see in this picture, celiac disease के patients की जो intestine की lining होगी, it's like this. क्योंकि वो irritate कर रहा है उसको, problem कर रहा है, suppressed form में. अब GI disorder में there's a lots of disease, मतलब एक ही नहीं है GI disorder, पर ठीक है, मैंने जो major है उसको cover किया है. Peptic ulcer, peptic ulcer are open sores that develop on the inside lining of stomach and upper portion of the small intestine. Peptic ulcer includes gastric ulcer that occur on the inside of the stomach, and second duodenal ulcer that occurs on the inside of the upper portion of the small intestine. Now we are talking about cancer. You can see, I just make a graph. The stomach cancer cases kitne hai, thyroid, upper cervix, lung, and upper breast ho gaya, other cancer. You can see the actual breast cancer cases, it's very common, to be very frank. Cancer, millet is based on literature value are known to be a rich in phenolic acid, tannins and phytate. These nutrients reduce the risk of colon and breast cancer. Recent research have revealed that fiber as one of the best and easiest way to prevent onset of the breast cancer in women. They can reduce their chances of breast cancer by more than 50% by eating more than 30 gram of fiber every day. Or I don't think so. We are taking 30 gram protein in a day. कितने लोग daily salad खाते हैं? तो देखिए, जो भी fruits market में available है, you have to take that one. अभी अमरूद आ रहा है, डोंट थिंक कि एप्पल 500 रुपए किलो तो मैं एप्पल ही खाना है. वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वंस एप्पल इन अ डे कीप द डॉक्टर अवे, नो इट्स नॉट लाइक दैट. आपको विटामिन सी मिलेगा, ऑरेंज लीजिए आप, अमरूद में लीजिए, विटामिन सी मिले, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो सस्ता है. कोलन कैंसर, GI डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लोगों को पेट साफ नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं चलता, वो धीमे धीमे करके इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम आफ्टर सम एज. ओके, आजकल छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कॉन्स्टिपेशन की, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो कितना रिकमेंडेड हो गया? 30 ग्राम फाइबर एवरी डे. आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ नॉर्मल सेल, दिस इज अ कैंसर, दिस इज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ सेल्स, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव. ये धीमे 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 करके दूसरे आपके ऑर्गन को इफेक्ट कर देता है. इसलिए फीमेल्स को मेमोग्राफी 30 साल के बाद हर 6 मंथ पे करानी चाहिए. प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, चाहे वो मेल्स के साथ हो, फीमेल्स के साथ हो, दैट डजंट मैटर. फीमेल्स रिलेटेड है, तो देन वी हैव टू गो इन दैट प्रोसेस. अ कोलन कैंसर, इट ऑकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच इज द फाइनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. मोस्ट केसेस ऑफ कोलन कैंसर बिगिन एज स्मॉल नॉन कार्सिनोजेनिक clumps of cells called adenomatous polyps. Over time, some of these polyps can become colon cancer. बहुत cases आते हैं, seriously it's very painful. बहुत painful होता है. These are two types of colon cancer: hereditary and then non-polyposis colorectal cancer, also called limb syndrome, increase the risk of colon cancer before age of 50. And second one is not very common. अब now we are talking about the like ये breast cancer. आपको जिसमें था after 30th आपको
हर मतलब 6 महीने पे कराना चाहिए, आप फैमिली में जो है उनको बोल सकते हैं। इट फॉर्म्स इन द ब्रेस्ट सेल, बट ब्रेस्ट कैंसर टुडे आर हाई रेट ऑफ सुपरियरसिप। कॉमन 3 टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, डक्टल कार्सिनोमा इन सेतु, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। तो दैट सेकेंड वन इज वेरी कॉमन। अब यू टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, डक्टल कार्सिनोमा इन सेतु, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल सेल inside the milk duct in the breast, invasive carcinoma. The cancer start in the milk ducts of the breast and grow into the other parts of the surrounding area. और आपका जब कैंसर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाता है, it's मतलब it's not easy. आपको क्या होता है, सामने किसी को uterus cancer या whatever का, you can cut out that part and remove from the body. Then it's okay. If it will affect the some other organ, तो आप body के सारे organ को ना काट करके निकाल सकते हो. It's not easy. And third way, the invasive lobular carcinoma. The breast cancer start in the milk producing glands of the breast. 10% invasive breast cancer. It's not very common. इसीलिए आपने देखा है, government ने आजकल like government क्या, as a nutritionist, as a मतलब we should know कि हर breastfeeding करानी ही है बच्चों को 6 months तक. अब we are talking about obesity. मैंने झांसी में तो ओबेसिटी नहीं देखी, बट दिल्ली में हर सेकंड पर्सन इज ओबेस, टू बी वेरी फ्रैंक, दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस पीपल, ठीक है, वेरी हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है। और यू कैन सी ऑलमोस्ट 3 out of 4 इंडियन आर ओवरवेट, ऑलमोस्ट 1 out of 2 अर्बन इंडियंस आर ओबेस। व्हाट इज ओबेसिटी, कैसे होती है मोटापा, कैसे होता है कॉम्प्लेक्स डिजीज इन्वॉल्विंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। Obesity is just not a cosmetic concern, it's a medicine problem that increases the risk of other disease and health problems such as heart disease, diabetes, high blood pressure and certain cancers. You can see BMI, underweight agar koi hai, theek hai, to BMI should be less than 18.5, normal hai to 18.5 se 22.9, overweight hai to 23 se, ye is a category, pre-obese hai, obese hai, type 1 and all. अब मैं बताती हूँ ओबेसिटी होती क्यों है। लाइक आई एम ओके, मेरी हाइट है 150 सेंटीमीटर, व्हाटएवर माय हाइट, ठीक है, और आपको मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, गिविंग आई जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, या एक्सपेक्टेड जो भी है उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट 2000 किलो कैलोरीज की एक दिन के लिए, ये तो पढ़ा होगा आपने, पर डे रिक्वायरमेंट आ रही है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, एंड दैट पर्सन इज टेकिंग मोर देन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, आप उससे ज्यादा ले रहे हो, so what body will do, it will start to accumulate